इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैसेज रिसीव रिंगटोन के बारे में। मैसेज रिसीव रिंगटोन को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप चेंज कर सकते हैं, कैसे आप सेट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी रिंगटोन यहाँ पर दिख रही होंगी, आप जोन से चाहे वो लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके फीचर्स को ना जानकर कि सबसे पहले हमें मिलती कहाँ हैं, और उसके बाद बताऊँगा मैं आप इनको यहाँ पर कैसे कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चाहे चैनल को सब्सक्राइब ना करें चलता है, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर मिलता है आपको साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद यहाँ पर मैसेज रिसीव्ड आपको मिल जाता है, इसको खोल लेना है आपको। खोलने के बाद यहाँ पर मैसेज रिसीव रिंगटोन मिलता है और सिंगल सिम सेटिंग्स मिलता है, यानी कि आप एक सिम पर सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं दोनों सिम पर लगाना चाहता हूँ तो इसको खोल लेता हूँ। और यहाँ पर आपको नाउन भी मिलता है, यानी बंद करना चाहते हैं या फिर नेचर साउंड्स आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारी मिलती हैं, फ़िलहाल मैं नहीं चलाने वाला क्योंकि इसमें साउंड निकलेंगे और मेरी आवाज़ नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है मैसेज रिंगटोन मिल जाती हैं, आप कोई सी भी लगाकर उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ यहाँ पर बता दी, और जितना भी प्रोसेस हुआ हमारे Redmi Note 5 Pro के अंदर हुआ है। अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।